सभी को नमस्कार। मैं कुसुम बिष्ट, पेशे से मैं किसी प्रकार की लेखक या कवि नहीं रही हूँ और ना ही हूँ अभी। शिक्षक के रूप में मैं काम करती हूँ, और शिक्षक का एक जो मन है, जो उसका एक सोचने का नजरिया है, देखने का नजरिया और सोचने की जो उसकी अपनी एक क्षमता है, उसको लेते हुए मुझे लगता है कि अलग-अलग स्थितियों में जब भी मेरा मन उद्वेलित होता है, तब तब मैंने उन रचनाओं को लिखा है। ये मेरे अपने मन के उद्गार हैं, और जिनको अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्वरूप में मैंने देखा है, समझा है, और उसे ही मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाह रही हूँ। तो मेरी पहली जो कविता है, पहली दो कविताएं हैं प्रकृति के रूप के ऊपर। एक तो मनमोहक प्रकृति का रूप होता है जो हम बहुत खुश होते हैं उनको देख करके। दूसरा उसका एक रौद्र रूप भी है उसके ऊपर। तो पहली कविता मैं पढ़ती हूँ अपनी। पहली कविता है वसंतागमन। आया है शिशिर राज बनकर के अग्रदूत, फूट पड़ी हैं कोपलें छोड़ अपना स्वप्न लोग, खिल पड़ी हैं कलियां लेके अपना यौवन स्वरूप। सर्वत्र दृष्टव्य है हरियाली, मध्य गुंजित भ्रमर गुंजार, किंतु इस मधुमय मास में भी मानव है विलास में मदमस्त। हे मानव, हो तो उन्मुक्त, छोड़ ये माया बंधन, ले ले वसंतागमन का रसास्वादन। आया है शिशिर राज बनकर के अग्रदूत, खिला है हर पुष्प का रूप अनूप, हरियाली के आंगन में कंटकों की सेज में, ऋतुराज के इस उत्सव में छोड़ उन्मुक्त भाव से माया के ये जाल, पहुंचा दे इस उत्सव में अपने हृदय के को भी आह्लाद। आया है शिशिर राज बनकर के अग्रदूत, फूट पड़ी हैं कोपलें छोड़ अपना स्वप्न लोक। तो ये बसंता आगमन का एक स्वरूप था जो आपके सामने प्रस्तुत है। दूसरी कविता मेरी है त्वरित बयार, जो उसके थोड़े से रौद्र रूप को भी दिखाती है। करते हुए अट्टाहास, करते हुए अट्टाहास, सर सर सरगर्मी से चलती बयार, थर थर थरकती है कगार, करते हुए अट्टाहास। देखो इस बयार के शत अशत प्रतिकार, सार्वजनिक अहित करने में है इसे अभिमान। स्वयं अपनी उद्दाम गति से कर रही है क्रीड़ाएं अपार, करते हुए अट्टाहास, करते हुए अट्टाहास। यह तीव्र गामिनी अपनी चंचलता से है चलायमान, इसकी तीव्र त्वरित गति से कंपित है मानव समाज। दिखा रही है अपनी काल रूपिणी जिह्वा, जिससे उखाड़ फेंके हैं वट विटप महान, करते हुए अट्टहास, करते हुए अट्टहास। तो ये दो प्रकृति के अलग-अलग जो स्वरूप हैं उसके ऊपर कविता एक तरीके से थी। ऐसे ही यदि मैं और आगे की तरफ बढूं तो कविता जो है वो मजदूर के ऊपर है, और मजदूर दिवस के समय इसको मेरे द्वारा लिखा गया था, क्योंकि हम बनाते हैं मजदूर दिवस, उसी को सलाम है, और कविता का नाम है सलाम मजदूर दिवस। बांधे कांधे में अंगोछा, बांधे कांधे में अंगोछा, आंखों में गड्ढे लिए, निगाहें तकती हैं इधर उधर, भोर की किरण के साथ ही हाथ में रोटी का एक डिब्बा, काम मिले तो दोपहरी में को सुस्ता कर खाने का चारा लिए, काम की तलाश में किसी चौराहे पर नहीं तो किसी सड़क के किनारे जमघट लगा हुआ हम पाते हैं इन कामगारों को जिनके हाथ में हुनर है, जिनके हाथ में हुनर है, नक्काशी है पर काम नहीं है।
दिन रात सर्दी गर्मी धूप छांव सब दिन एक समान, हम मजदूरों के हर सुबह की पीड़ा सांझ के ढलने के साथ साये की तरह काम की तलाश तलाश तलाश, कांधे में अंगोछा आंखों में गड्ढे लिए निगाहें तकती इधर उधर, सलाम मजदूर दिवस। तो ये एक और कविता थी जो मजदूर दिवस के ऊपर मैंने लिखी थी। समाज को जब हम देखते हैं और समाज में अलग अलग रूप हैं, हमारे परिवार में माँ और पिता की अपनी एक भूमिका है और गुरु की भी एक भूमिका है। गुरु को वैसे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, स्कूल के एक परिवार के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी हमने उनके हर एक स्वरूप को जो हमें उस समय शायद ठीक नहीं लगते हैं और जो बाद में हमें एहसास दिलाते हैं वो इसके अंदर है। और कविता का नाम है सच कहूं तो गुरुजी। सच गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, शिक्षा की अनंत संभावनाओं की को हमेशा तलाशने और तलाशने पर तराशने की एक इच्छा और हर उस न्यूनतम तबके के बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने का एक सपना, हर एक नन्हे परिंदे में उस मानव गुण को खोजने का एक जज्बा। सच कहूं तो गुरुजी, सच कहूं तो गुरुजी, इस कदर का जज्बा रखने वाले विरले ही होते हैं। सारे गुरु ऐसे हों जरूरी नहीं है। इस कदर का जज्बा रखने वाले विरले ही होते हैं, जो होते हैं वे फिर कर्म प्रधान होते हैं, खोखली बातों और हवाई उड़ान से परे होते हैं। ये तो एक छोटा सा परिचय है आपका, सच कहूं तो, सच कहूं तो गुरुजी। ना ही वे तमाम श्रृंखला शब्द श्रृंखला है मेरे पास और ना ही ऐसी कलम जो तराश सके आपकी सहृदयता और महत्वपूर्ण झलकों को। ऐसे गुरुजन को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने हर दम कठिनाई से जूझने और हिम्मत न हारने की राह को प्रशस्त किया। हालांकि कुछ न कुछ समय पल कुछ कटु बोल इम्पॉर्टेंट है, हालांकि कुछ न कुछ समय पल कुछ कटु बोल दिल में नश्तर की तरह चुभने वाले रहे जरूर, फिर भी महसूस हुआ कहीं न कहीं अंतर मन में आपके छिपी हुई एक आशा और उम्मीद की लहर है जो बार बार कहती रहती है, उठो जागो सोचो खोजो विचारो और बनाओ। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी बाकी है बहुत कुछ करने को, वक्त से लड़ो और आगे बढ़ो। यही सीख, यही उम्मीद, यही आशा का वरद हस्त हमेशा रहा हमारी करेगा प्रशस्त। सच कहूं तो गुरुजी, सच कहूं तो गुरुजी। तो ये गुरुजी को एक समर्पण था। अब माँ का रोल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच में कहें तो प्रथम पाठशाला जो है, जो घर है, और घर में भी माँ की जो भूमिका है वो अहम है। तो माँ की, माँ ना हो तो क्या बीतती है, उसकी यादें किस तरीके से हमारे जेहन में अपनी बार बार होने के एहसास को जो बताती हैं, वही एक मेरा अपना खुद का भाव है। तो उसके सुने, और इसका जो शीर्षक है वो माँ ही है। धीमी सी आहट से भी झट जाग जाती, धीमी सी आहट से भी झट जाग जाती, खुद न उठ पाए पर भी आहट के होते ही उठ बैठ जाती। ऐसी है माँ, ममतामयी माँ, प्यारी माँ। क्या कहूँ तेरे बारे में, शब्द नहीं है, हैं तो भी पड़ जाते कम,
शब्द नहीं है, यदि है तो भी पड़ जाते कम, सहनशीलता की मूर्ति ना देखी आज तक तेरी जैसी मेरी माँ। खुद खाए या ना खाए पर हमें हमेशा तूने खिलाया, खुद की घुटन को कभी सामने ना आने दिया, हंसते हुए अपने बच्चों के लिए बलिदान दिया। लिखावट को न पढ़ पाती तू, पर जीवन को तेरा जैसा कोई न पढ़ पाया, मिट्टी से उठा तूने हमको आसमान में खड़ा किया। धन्य है हम माँ तेरे बलिदान से, इस कर्ज को जिंदगी भर न चुका पाएंगे, पास न होकर भी तुम हमेशा हमारे पास हो, तेरा ये एहसास ही हमारे लिए आशीर्वाद है, माँ तुमको शत शत नमन शत शत प्रणाम है। तो ये एक माँ के लिए एक कविता जो है मन के उसमें थी। इसी श्रृंखला में कि परिवार चल रहा है तो बहुत सारे उसमें फादर्स डे मनाया जाता है। फादर्स डे के दिन एक पिता को किस तरीके से याद मैंने किया, इस बार जब फादर्स डे था तो बड़ी उम्मीद से, क्योंकि हर रोज हम पिता से बात करते हैं या फोन से, चाहे पास हैं तो पास में, तो उस दिन की कुछ एक अलग सी पीड़ा मन में थी, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिता की याद फादर्स डे के नाम। आज जब पिता के साए से वंचित हूँ तो सुबह से रह रह कर सोच रही हूँ, आज जब पिता के साए से वंचित हूँ तो सुबह से रह रह कर सोच रही हूँ कि क्या करूँ, किससे बात करूँ। पिता तो आखिर दूर, बहुत दूर कहीं चले गए, अब तो बस यादों में और ख्वाबों में भी मैं ही महसूस किए जा सकते हैं। ठिटक कर बैठ गई यादों की एक श्रृंखला आंखों के सामने से हवा के झोंके की तरह गुजरी। यादों की एक श्रृंखला आंखों के सामने से हवा के झोंके की तरह गुजरी। एक पल को लगा यह हवा का झोंका था, एक पल को लगा यह हवा का झोंका था या पिता का हाथ, जो हौले से मेरे सिर को सहलाकर यह एहसास करा गया कि मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास हूँ। तो साथियों, मैंने अभी जो तीन जो कविताएं, चार कविताएं समाज में जो अलग अलग हमारे साथ रहते हैं उनके बारे में की, अब थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक होने के नाते एक कर्तव्य हमारा बन जाता है कि बच्चे किसी भी अवधारणा को, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो या फिर और कुछ, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक शिक्षक के मन में बच्चा उसे कैसे ग्रहण करे वो एक महत्वपूर्ण एहसास होता है। तो यही एक एहसास कि बच्चे जब ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ते हैं तो राज्य उनको वैसे याद नहीं होते, लेकिन गीत में बहुत जल्दी उनको याद हो जाते हैं। तो वही मैंने लिखा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भारत के पड़ोसी राज्य इस कविता का नाम है। भारत 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 के पड़ोसी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहूं दिशा चहूं ओर, भारत 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 के पड़ोसी। पूरब में बांग्लादेश बर्मा रहे विराजमान, पश्चिम में पाक और अफगान। भारत 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 के पड़ोसी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहूं दिशा चहूं ओर। उत्तर में नेपाल चीन और भूटान, नीचे आता देखो दक्षिण, नीचे आता देखो दक्षिण, श्रीलंका जहां विराजमान, भारत 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 के पड़ोसी। जब इस गीत को हम गाते हैं बच्चों के साथ या कविता के रूप में पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी इनको ग्रहण कर लेता है। ये इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूं मैं, जब उनके साथ
ज्योग्राफी या भूगोल की बात की शुरुआत होती है, क्योंकि उस दौरान उनके इतना ज्यादा परिपक्व स्थिति नहीं होती कि वो उनको जल्दी जल्दी याद कर ले, तो कविता के माध्यम से वो जल्दी उसको सीख जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारी नदियों की बात हुई है, क्योंकि कोर्स में नदियों की बात थी और उस दौरान बच्चे उन्हें याद नहीं कर पाते थे, तो ये गीत की रचना तब की गई है। तो हमारी नदियां, नदियां रे नदियां महारी प्यारी नदियां, नदियां रे नदियां महारी प्यारी नदियां, गहरा गहरा पानी बल बह चली दीवानी, गहरा गहरा पानी बह चली दीवानी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, सिंधु ब्यास चिनाब, सतलज सोन गंडक कोसी, हुगली चली मैदान, सतलज सोन गंडक कोसी, हुगली चली मैदान, नदियां रे नदियां हमारी प्यारी नदियां, लूणी चली थार मरुस्थल, देखन आई रेगिस्तान, लूणी चली थार मरुस्थल, देखन आई रेगिस्तान, चंबल बेतवा महानदी, चंबल बेतवा महानदी, कृष्णा कावेरी गोदावरी, बह चली दक्षिण पठार, बह चली दक्षिण पठार, नदियां रे नदियां मारी प्यारी नदियां, माही नर्मदा, माही नर्मदा ताप्ती, संग चली साबरमती, माही नर्मदा ताप्ती, संग चली साबरमती, कल कल करती बह चली समुद्र तटी मैदान, समुद्री तटी मैदान, नदियां रे नदियां मारी प्यारी नदियां। तो आज की प्रस्तुति में ये एक कॉन्सेप्ट को लेकर थी। एक अलग लास्ट में अभी एक कविता और पढ़ने जा रही हूँ। ये मेरे शुरुआती दौर की कविता है, जिस संस्था के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, वहाँ का प्रारंभिक एक कार्य जहाँ पर कक्षाओं का होना जरूरी नहीं था, वहाँ समूह हुआ करते थे और समूह एक बढ़ते क्रम में थे जिनके नाम बच्चे स्वयं ही रखते थे। तो जो मैं अभी इस कविता को एक जगह लाई हूँ समूह समागम के नाम से, कि उसमें आपको एक भाव है प्री स्कूल से लेकर के ऊपर आठवीं क्लास तक का, जो बच्चों ने नाम रखे थे वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो प्रस्तुत है। नन्ही नन्ही कलियां ऐसी, नन्ही नन्ही कलियां ऐसी, कोमल लोरी गीत जैसी, कि कोमल लोरी गीत जैसी, ये तीनों जो नाम है कोमल लोरी और गीत, ये प्री स्कूल के संदर्भ में है। नन्ही कलियां खिलने लगी, नन्ही कलियां खिलने लगी, कलियों से देखो फूल बने, क्योंकि प्री स्कूल के बाद प्राथमिक में वो आ रहे हैं। कलियों से देखो फूल बने जो रंग बिरंगी छटा बिखेरे, नारंगी गुलाबी लाल दुपट्टे में बदले, उनकी चहक हवा में ऐसी लहराई, उनकी चहक हवा में ऐसी लहराई कि झट बादल बादली में समा गई, उनकी चहक हवा में ऐसी लहराई कि झट बादल बादली में समा गई, बादल से देखो बादल बादली से देखो छटा प्रकाश की निकली, जो एक तराना बनके, जो एक तराना बनके सागर की लहरों में जा मिली, जो एक तराना बनके सागर के लहरों में जा मिली, कोमल से उठकर सागर तक जा मिली, कोमल से उठकर सागर तक जा मिली। कोमल जो है प्री स्कूल का सबसे छोटा समूह, जो 3+ का है, और जो यहाँ सागर की बात मैंने कही है वो कक्षा 8 की बात कही है। तो नमस्कार साथियों, अभी के लिए जन सरोकार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरीके के मौके को देने के लिए। आप सभी का आभार, नमस्कार।